जय श्री कृष्णा आप सभी को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने किस तरह भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उनके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही हम लोगों ने यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्म योग की संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से कई वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतः अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं और यहाँ से हमारा पंचम अध्याय शुरू होता है। इस पंचम अध्याय में कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यक्षरे येत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित हो, कल्याणकारक साधन हो, उसको कृपया करके कहिए। भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात्क कर्म योगो विशिष्टते। श्री भगवान बोलते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होना ही श्रेष्ठ है। गेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान अगले श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निःश्रेयस परम कल्याण बता चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों की निष्ठाओं की फल की एकता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं, सांख्ययोगे पृथंग बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं पया स्थिता सम्यगुव्योर्विदन्ते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते अस्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरे नाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को
मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि नालिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते च तत्ववेत्। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम तेकत्व करोति यः लिप्यते नास पापेण पद्मपत्रमिवावस। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तैकत्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी हैं, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतः अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, युक्त कर्म फलम तैकत्व शांतिमा प्रोन्नति नैष्टिकम अयुक्त काम करेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। न कर्तित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त करता है। नादते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम तेन मुहुयन्ति जन्तव। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत् मात्मनः तेषां वदित्येवं ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्धयस्दात्मना अस्ति निष्ठास्त परायण गच्छ अन्त्य पुनरावृतिम ज्ञानी निर्धुत कल्मसा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी शुनी चैव शाप के च पंडिता समदर्शिन। वे अज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इस प्रकार तत्व ज्ञानी के संभाव का वर्णन करके अब संभाव को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, इहैव तैर जिता सर्गो यासम शाम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मानिते अस्थिते। जिसका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहिर्यसे यति प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्रिबं स्थिर बुद्धिर संबुढ़ो ब्रह्मविदं ब्रह्मानि स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बताए और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्श सकात्मा विंध्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगायात्मा सुखम क्षय स्मृते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्प्रसजा भोगा दुख्योन एवता आद्यन्तो वंत कौन्तेय नाते सुरम ते बुद्ध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही होते हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय पुत्र, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। विषय भोगों को काम क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं, शकोति हैव यह शोढुम प्राक शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्वम वेगम सयुक्त ससुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को
सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। यो अंत सुखो अंतरारामस्त धांतर्ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंदन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं उन पुरुषों के लक्षण को बतलाते हैं। भगवान कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वामृष्य क्षीण कल्मषा छिन्द्वैधायात्मना सर्वभूत हितेरता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानं यतिनां यत् चेतसामं अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं अस्पर्शांत कृता बहिर्बायम शशु श्वैवांतरे भूम प्राणापान समो कृत्वा नासा अभ्यंचरीनो यत इंद्रियम मनो बुद्धिर्मुम निर्मो अक्ष परायन विगते अक्ष भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवश। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटि के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति करने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमा शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। आखिर ये भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वाले को शांति कैसे मिलती है?
इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वरानं परम महेश्वरम्। उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं, और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वथा निर्भय और निश्चित होकर उसका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु उनके पास भी नहीं भटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। आखिर जब हम कहते हैं भगवान सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार हैं और उनको सुहृद जानने से शांति कैसे मिलती है, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को ना प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हृदय भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता। इसीलिए भगवान सब भूतों में सुहृद हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतु प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है, इसीलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यद्यपि उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वदर्शी, अनंत अचित्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सुहृद बतलावे और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सुहृद मान ले, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है, फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले की क्या बात है। और इस तरह से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। ओम शिव।